सभी बेरोजगार लोगों को नमस्कार। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है, मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है। लोग कहेंगे, कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। कहेंगे कि तुम्हारा क्या जाता है भैया, तो आपको पता है जब आप देश के खातिर अगर कोई भी चीज युवाओं से आप कहते हैं कि भाई योगदान करो, अभी कोरोना वायरस के समय सब लोगों ने आपका योगदान किया, मैंने भी किया, 1 लाख रुपए डोनेट किया था। मेरा अधिकार बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मीडिया वाले आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया वाले आपके हिसाब से चलते हैं। मीडिया वाले वही चीज दिखाते हैं जो लोगों को देखने में मजा आता है, लेकिन बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा। व्यू नहीं होंगे इसलिए बेरोजगारी पर बात नहीं होगा। उसको चर्चा केवल चाहिए कि रिया चक्रवर्ती किसके साथ आज घूम रही है, कल कहां सोई थी, परसों कहां सोएगी। रिया चक्रवर्ती के बारे में ही केवल चर्चा होगा, लोगों को मजा आता है, उस पर व्यू होता है, तो वीडियो उसी पर बनता है, उसी पर लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि चैनल का टीआरपी बढ़ते रहे। और ये मजबूरी है हमारी कि एडुकेशन चैनल वाले अब पढ़ाई न करवा के ये सब चीजें पर उतर गए हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, करने वाला हूं। जो भी लोग हैं जिनको परेशानी हो, क्षमा चाहते हैं, अपरेशानी हो ये है तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा। कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, रेलवे का फॉर्म भरता है जिसमें 500-500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए, अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का, 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500-500 रुपया लेके, अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100-100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं भाई, गरीब आदमी है, जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1 लाख रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे। काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा ना, तो कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा। ये पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा, या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च पड़ेगा, खर्च लगेगा, तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया 11 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 1 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था,
और याद रखिएगा कि ये युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा भैया, तख्ता पलट जाएगा, ये बात पक्का सुन लीजिए। काहे कि आज हम दिल से बात कर रहे, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपये, हमारा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चातापी जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहां, याद रखिएगा। ये पूरे देश, पूरा देश में अब बवाल होने वाला है अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहां पर आप नहीं, आपको पता चले तो जिन लोगों को बुरा लगता होगा सर्च कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 लाख रुपए का योगदान दिया, मैथ मस्ती लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, मैथ मस्ती लिखिएगा, जरूर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा घर भी करकट का है और फिर भी अकाउंट में 1,23,000 था, 1 लाख रुपया डोनेट किए थे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए और इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़े। ए भाई, वो बच्चा के पैसा दिया हुआ है जो हम पढ़ाते हैं ना, वो वीडियो देखता है ना, वो व्यू होता है, उसे पैसा आता है, वो पैसा हम आपको दिए थे, पाप लगेगा ना, तो तनी ध्यान दीजिए यहां पर। ए देखिए, कहते हैं कथी कि स्थानीय खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर भारत बनाइए, खिलौना तो हम बनल है, जैसे मन होता है आप खेल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोग वही कर रहा है, अब हम कौन खिलौना बने, खिलौना तो जनता बन चुका है आप लोगों का। ये हमारे मोदी जी थे, आई हमारे नीतीश बाबू हैं, इनका चाल सुनिएगा, इनका चाल क्या है, अभी जब चुनाव आने वाला है तो बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे, बिहार पुलिस के बहाली निकाल देंगे तो भारी संख्या में एग्जाम एगो करवा लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे। अब एग्जाम दे के लड़का फसल है कि अगर नीतीश जी नहीं आते हैं तो फिर आगे रिजल्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई बवाल, चूंकि बिहार में कोई एग्जाम जो है ये ना है कि साफ सुथरा से हो। आप देख रहे हैं बिहार एसएससी का एग्जाम कितना साल में हुआ है, आदमी बूढ़ा गया, जवानी में दिया था एग्जाम और रिजल्ट आते थे बूढ़ा जाएगा। अब चूंकि बिहार में एग्जाम ऐसी होता है तो ये क्या होगा कि रिजल्ट होगा चुनाव के बाद, मजबूरन फिर नीतीश कुमार जी को चुनेंगे, शिक्षक के बहाली आ जाएगा, बिहार पुलिस के बहाली आ जाएगा, सारे बहाली, दरोगा होगा, सब के बहाली आएगा। ये कब होगा, चुनाव के टाइम में भैया। तो नीतीश जी का जो ये था, इसमें इन्होंने कहा कि नल जल का रख रखाव करने के लिए बाडो को 2,000 रुपया मिलेगा। हे प्रभु, ये 2,000 कहला दे रहे, नल जल के दशा दिखा दे, 33,000 करोड़ रुपया आपने बिहार में नल जल पर खर्चा कर दिया। आज आपको असलियत हम दिखाते हैं, इस वीडियो में देखिएगा आप लोग जरूर, इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए कि हमारे जहां से हम हैं वहां की स्थिति आपको दिखा देते हैं कि नल जल का स्थिति क्या है। बेरोजगारी, बेरोजगारी तो भैया आपने ऐसी पहुंचा दिया है यहां पर कि लोग अब कुछ करने लायक नहीं है। आप अगर आत्मनिर्भर बनाना था, खिलौना बनाना ही था, ये कहला पढ़वा रहे, शुरू से खिलौने बनवाते, कहला 500-500 रुपया लेके फॉर्म भरवा लिए और 2 साल में 9 अरब आप ब्याज कमा लिए। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु इस पर कोई उपाय कीजिए, वरना आपकी तख्ता पलट जाएगी। और सारे विद्यार्थी, जितने भी छात्र हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर हो, और सारे एडुकेशन चैनल वाले जितने भी है, चूंकि आपके मीडिया नहीं दिखाएगा, विद्यार्थी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है, वो वही चीज दिखाएगा जो सरकार चाहती है। हमारे सारे भाई बंधु जितने भी वाईफाई स्टडी एग्जामपुर है, अभिनव शर्मा है, राकेश यादव सर है, जितने भी लोग हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी को हाथ जोड़कर तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये विद्यार्थी, इस विद्यार्थी जो बेरोजगार है ना, उसी के वजह से हमारा रोजगार है, यही बात सच्चाई है, और इसीलिए हम इनके लिए लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, धरना प्रदर्शन होगा, पूरे देश में धरना प्रदर्शन होगा। और जहां ये 2.5 करोड़ विद्यार्थी सड़क पर उतर गया तो सुन लीजिए, ये बिहार से लेकर दिल्ली तक हिलेगा, ये बात निश्चित है। एक साथ हम हैं, सबके साथ हैं, सारे छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। एसएससी टाइम से एग्जाम नहीं लेती है, एक तो आप वैकेंसी ही कम निकालते हैं, अब वैकेंसी कम निकालते हैं तो जो निकालते हैं ओकर तो कम से कम एग्जाम ले लीजिए, सही से रिजल्ट ले लीजिए, सही से रिजल्ट दीजिए और एग्जाम सही से ले लीजिए, टाइम से ले लीजिए, एक शेड्यूल बना दीजिए, जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है कि इस महीने में होगा, इस महीने में रिजल्ट होगा, उसी तरह एसएससी का भी एग्जाम होना चाहिए, रेलवे का भी एग्जाम होना चाहिए, आपको जितने सीट पर लेना है, लेकिन इसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने इस महीने में एग्जाम होगा, इस महीने में रिजल्ट आएगा, इस महीने तक ज्वाइनिंग होगा, ताकि अंधेरे में लोग ना जिए। हे प्रभु,
ये पाप लगेगा अगर इस युवाओं के साथ, गरीब के बच्चा ना जनरल कंपटीशन के तैयारी करता है, आर्मी के तैयारी करता है, गरीब के बच्चा जाता है, कम से कम एकरा साथ इतना अन्याय ना कीजिए। ये पाप का घड़ा भर चुका है, मैंने अपने सर पर जूता मारा है, अगर वोट मांगने मेरे एरिया में आइएगा हम जूता मारेंगे आप लोग को, ये बात पक्का कह देते हैं। आई वीडियो शेयर होना चाहिए आप सबको, आप सबको इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप शेयर करिए, इस वीडियो को पहुंचाइए जहां तक हो सके इसको पहुंचना चाहिए। और हर व्यक्ति आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हल्ला बोल, हल्ला बोल ये नारा लगाइए और सब लोग पहुंचाइए, सब लोग वीडियो बनाइए जितने भी एडुकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई क्योंकि कोई मीडिया वाला आपको दिखाने वाला ये नहीं है। और बस यही बात कहना चाहेंगे और जल्दी आग के तरह इस वीडियो को फैलाइए, और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि आप सब कुछ समझ ही रहे हैं।